आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है वो सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल है, और इसके अलावा जो क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड का महीना एक बचा है, एक महीने के लिए ये रिवाइजन के तौर पे बहुत अच्छा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल एक्चुअली होता क्या है कि लोगों का संगठित समूह होता है। संगठित समूह होता है, ठीक है। ये चुनाव या राजनीति से सत्ता प्राप्त करता है, चुनाव या राजनीतिक क्या करता है, सत्ता प्राप्त करता है। और फिर उसके बाद चुनाव जीतने के बाद क्या करता है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। ठीक है, लोगों का संगठित समूह होता है, राजनीतिक या चुनाव से ये सत्ता प्राप्त करता है और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। अब ये राजनीतिक दल जो होते हैं, कुछ देशों के अंदर एक दलीय प्रणाली होती है, एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली के अंदर क्या होता है कि एक ही दल प्रधान होगा, बाकी सारे जो छोटे मोटे कोई भी दल होगा वो उसकी नहीं मानी जाएगी, वो गौण होंगे। एक दलीय प्रणाली के अंदर आपका सबसे पहले आता है रूस, अपना पड़ोसी देश है चीन, इनमें साम्यवादी पार्टी है, साम्यवादी पार्टी है। क्योंकि आप थोड़े दिन पहले चीन का तो उसमें संसद में एक विधेयक पास हो गया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आजीवन के लिए चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति बहुत समय से चले आ रहे हैं और 2034 तक, 2028 वाला भी पास कर दिया और 2034 तक इनको परमानेंट कर दिया, ठीक है, साम्यवादी पार्टी। अब आती है दो दल प्रणाली। कुछ देश ऐसे हैं जिसके अंदर दो ही प्रणालियां, दो ही दल काम करते हैं। जैसे पहले नंबर पे अपन लेते हैं यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर दो दल काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंग्लैंड के अंदर एक तो है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। एक तो है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरी है लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, अभी जो अपने देश के वो नागरिक हैं जो वहां के वो बने हैं प्रधानमंत्री, वो ऋषि सुनक, ऋषि सुनक, ऋषि सुनक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, पूछा जा सकता है क्योंकि हॉट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऋषि सुनक कौन सी पार्टी से है, तो कंजर्वेटिव पार्टी से। नंबर दो यूएसए, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिक पार्टी है। अमेरिका के अंदर एक तो है डेमोक्रेटिक और दूसरी है रिपब्लिक, रिपब्लिक पार्टी। अब ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह है गधा, और रिपब्लिक पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, ठीक। अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये इसी के क्या है, जो बाइडेन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, गधा था, और क्योंकि ये लोगों को पता नहीं था तो कर नहीं पाए थे, तो गधा था। और जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। अब आती है बात कि ये जो राजनीतिक दल है इसको किस आदमी ने क्या बोला, राजनीतिक दल, तो लॉर्ड ब्राइस ने क्या बताया है, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र के पहिए हैं, लोकतंत्र के पहिए हैं, ठीक है। बिना लोकतंत्र या कोई गाड़ी बिना पहियों की नहीं चलती, वैसे लोकतंत्र बिना राजनीतिक पार्टी के नहीं चलता। अब जेनिंग्स कहते हैं कि ये लोकतंत्र के रीढ़ हैं। जेनिंग्स जो हैं, जो भारतीय संविधान पे काफी बातें बोली हैं, वो कहते हैं कि ये है लोकतंत्र की रीढ़ है, ठीक है। अब बात आती है भारत की, भारत, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली जो है वो आपके ब्रिटेन इसके अंदर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, इटली है, भारत है, काफी देशों के अंदर बहुदलीय प्रणाली है। तो भारत में है बहुदलीय प्रणाली। अब आजादी से पहले दो ही पार्टियां भारत के अंदर काम करती थी, दो ही पार्टियां थी जो राष्ट्रीय दल थे। पहला है कांग्रेस
और दूसरा है सीपीआई, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ठीक है, या समाजवादी पार्टी जिसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये आजादी से पहले भारत के अंदर थी। तो पहला जो चुनाव हुआ था, पहला चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा राजनीतिक, राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल सर्वाधिक थे अभी तक के, सर्वाधिक अभी तक के थे। कितने थे? 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। राज्य दल कितने थे? 39 राज्य दल थे पहले आम चुनाव में। ठीक है, सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए, पहली पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस रही थी, और दूसरी पार्टी की पूछा जाए तो वो सीपीआई रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी जो थी वो दूसरी पार्टी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है प्रथम आम चुनाव का। अब सर्वाधिक थे, अब न्यूनतम कम थे, न्यूनतम न्यूनतम सेकेंड आम चुनाव में थे। दूसरा जो आम चुनाव हुआ था उसमें मात्र 4 तो राष्ट्रीय दल थे, राष्ट्रीय दल थे, और 11 राज्य दल थे। अब आती है विचारधारा, विचारधारा, क्योंकि हर पार्टी के अलग अलग विचारधारा है, कुछ के कॉमन है, कुछ के अलग है, कुछ किस टाइप का सोचती हैं, कुछ किस टाइप का सोचती हैं। विचारधारा, विचारधारा जो है, एक तो है दक्षिणापंथी, दक्षिणापंथी विचारधारा, एक है वामपंथी, वामपंथी विचारधारा। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो बच गई वो है केंद्रीय विचारधारा, केंद्रीय विचारधारा। ठीक है, अब दक्षिणापंथी विचारधारा जो है वो क्या होती है कि ये पूंजीवादी की तरफ ज्यादा झुकाव होता है इनका, इनकी सोच पूंजीवादी होती है, पूंजीवादी सोच होती है इनकी। ये ध्यान रखना कि दक्षिणापंथी जो है उनकी पूंजीवादी सोच होती है। ये आपको डिसाइड बांटने के अंदर बहुत इजी काम करेगा, ये सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला है कि पूंजीवादी सोच रखेंगे वो दक्षिणवादी होंगे, और वामपंथी जो होंगे वो साम्यवादी रखेंगे या समाजवादी रखेंगे, समाजवादी रखेंगे या साम्यवादी रखेंगे। तो आप इसी के आधार पर राज्य के और केंद्र के राजनीतिक दलों को बांट सकते हो। पूंजीवादी कौन है? अपनी बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी जो है वो पूंजीवादी विचारधारा पे है। समाजवादी विचारधारा पे कौन है? सीपीआई है, एक सीपीएम है, सीपीएम है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दोनों जो है वो क्या है? साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा, क्योंकि विचारधारा पे है तो समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा तो दो ही है। अब ये बच गए, ये जो है कुछ इनकी तरफ भी झुकाव है, इनकी तरफ भी झुकाव है, दोनों का कॉमन मॉडल लेके चल रहे हैं वो केंद्रीय विचारधारा है। अपनी कांग्रेस जो है वो कैसी है? केंद्रीय विचारधारा की है। ठीक है, ये आपका विचारधारा होगा। अब आता है राज्यों का जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसका पंजीकरण कौन करता है? तो पंजीकरण, राज्यों का राजनीतिक दल या राष्ट्र का राष्ट्रीय दल जो होता है उसका पंजीकरण करता है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग पंजीकरण करता है। ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, पहला कब आया था? 1951 में, 51 की धारा जो 29 है, 29 ए जो धारा है उसके आधार पे राज्यों का राजनीतिक दल जो है राष्ट्र का राष्ट्रीय दल पंजीकरण करते हैं, चुनाव चिन्ह वगैरह ये ही देते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम के धारा 29 ए के तहत इनका पंजीकरण होता है। अब राज्य दल को मान्यता कब मिलेगी? राज्य का राजनीतिक दल, राज्य दल, राज्य दल की मान्यता चुनाव आयोग कब देगा? जब देगा यदि विधानसभा चुनाव में, विधानसभा आम चुनाव जो होते हैं, विधानसभा के आम चुनाव बोले जाते हैं, समय के बाद जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव, विधानसभा के जो आम चुनाव जो होते हैं उसके अंदर पहली कंडीशन ये रखी गई है कि इसमें जो वैध मत है, विधानसभा चुनाव जो है उनमें वैध मत का जो खारिज हो जाते हैं वो नहीं, वैध मत 6% आने चाहिए। ठीक है, वैध मत 6% आने चाहिए, प्लस में इसके साथ क्या होने चाहिए?
2% विधानसभा सीटें भी आनी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली की 2% क्या होनी चाहिए, सीटें भी आनी चाहिए, या विधानसभा की सीटें आनी चाहिए। पहली कंडीशन ये दे रखी है कि वेदमत जो है वो 6% आने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 2% सीटें भी आनी चाहिए। ये या तो ये कंडीशन पूरी करता है तो वो राज्य दल होगा, या फिर दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि 6% ये मत तो आने चाहिए, 6% वेदमत प्लस एक सांसद भी होना चाहिए, या सांसद। देखो कोई सी भी चीज, 2% विधायक की सीटें कंप्लीट कर रहा हो या एक सांसद की सीट लेके आ रहा हो, 6% वेदमत आ रहे हो, तो वो राज्य दल का दर्जा ले सकता है। ठीक है। नंबर तीन के अंदर आता है विधानसभा के 3% सीटें, या विधानसभा में 3% सीटें जीते, या फिर 3 सीटें जो अधिक हो, कौन सा भी अधिक हो वही लागू होगा। यदि उसके अंदर 3% सीटें 100 सीट हैं तो 3 सीटें आ जाएंगी, यदि 200 सीटें हैं तो फिर 6 सीटें लेनी पड़ेंगी, तो वहां ये सिस्टम चेंज हो जाता है। विधानसभा की 3% सीटें उसको जीतनी चाहिए, ठीक है, या फिर 8% वैध वोट मिले हो उसको, 8% वैध वोट, ठीक है, ये लोकसभा में मिले हो चाहे विधानसभा, दोनों के चुनाव के अंदर ये चलेंगे। तो ये बहुत इजी सा फंडा है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि 6% वैध मत मिलना चाहिए, 2% सीटें होनी चाहिए उसके साथ में, ठीक है। जैसे राजस्थान के अंदर 6% सीट का वोट का मतलब, जैसे 6 का 200 सीट है तो 12 हो जाएगा, और 2% सीट है तो मतलब 4 सीट राज्य के अंदर चाहिए चाहिए होती है राजस्थान के अंदर। या फिर ये कंडीशन पूरी करता हो कि 6% वैध मत ले रहा हो, एक सांसद ले रहा हो, जो आपने तीसरी विधानसभा के अंदर 3% सीटें या जो अधिकतम हो वो सीटें, और चौथी जो है 8% वैध वोट लोकसभा या विधानसभा के अंदर लेके आ रहा हूं, प्लस में सीटें भी जीतना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि वोट ले आए और आप राज्य दल बन गए, नहीं, सीटें भी लानी पड़ेंगी, या तो आप विधानसभा की सीटें लेके आओ या एक सांसद लेके आओ। अब आता है राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल को निर्वाचन आयोग कब मान्यता देगा, वो कह रहा है कि 4 राज्यों में 4 राज्य होने चाहिए कम से कम, 4 राज्यों के अंदर, या तो आप 6% मत लेके आओ, वैध मत लेके आओ, किसमें, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में, या तो 4 राज्यों के अंदर 6% आप मत लेके आओ, प्लस में इनके साथ 4 उम्मीदवार जीतने भी चाहिए, 4 उम्मीदवार जीतने चाहिए मतलब सांसद होने चाहिए, ठीक है, या फिर वो जो सांसद होंगे वो कम से कम एक एक जगह से 4 सांसद हो जाएंगे तो वो राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं मिलेगा उसको, 3 राज्यों में होना चाहिए, 3 राज्यों में 4 सांसद बनने चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 राज्यों के अंदर 4 सांसद बनना चाहिए, मतलब 4 राज्यों के अंदर 6% वैध मत होना चाहिए, प्लस में 4 जीतने वाले सांसद होने चाहिए, और वो जो 4 सांसद जो जीतेंगे वो 3 राज्यों के अंदर से होने चाहिए। ये पहली कंडीशन पूरी करो, या पहली कंडीशन आप पूरी नहीं करते तो 3 राज्यों की जो लोकसभा चुनाव है, 3 राज्य जो हैं उसमें लोकसभा चुनाव है, 3 राज्यों के जो लोकसभा चुनाव जो हैं उसके अंदर आपको 2% सीटें लेनी पड़ेंगी, 2% सीटें लेनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको 3 राज्यों के अंदर 2% सीटें लोकसभा के अंदर सांसद की लेनी पड़ेंगी। ये आपकी दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन आती है कि 4 राज्यों में राज्य दल के नाम से सूचित हो, मतलब लिस्टेड होना चाहिए, तो 4 राज्यों में राज्य दल हो, उस दल को भी क्या बना दिया जाएगा, राष्ट्रीय दल बना दिया जाएगा। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बात आती है राज्यों की, 4 राज्य होने चाहिए, 6% कम से कम वैध मत होना चाहिए, 4 सांसद जीतने चाहिए, ये वो 4 सांसद हैं वो 3 राज्यों से होने चाहिए कम से कम, एक जगह से 4 हो गए तो वो राज्य दल का ही दर्जा मिलेगा, केंद्र दल का दर्जा नहीं मिलेगा। 3 राज्य लोकसभा चुनाव में 2% सीटें होनी चाहिए और 4 राज्यों के अंदर राज्य दल का होना चाहिए। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर 8 पहले लिस्टेड, 7 ही थे, फिर 8वां बाद में जुड़ा है, ठीक है, वर्तमान में 8 जो है वो
वो है राष्ट्रीय दल है। पहला आता आपका कांग्रेस। कांग्रेस एक्चुअली क्या है, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, स्थापना कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी, सबको याद है, दिसंबर 1885 को हुई थी। स्थापना में ए ओ हुम था, ए ओ हुम थे, फिर दिनसा वाचा थे, उस टाइम के सभी को याद है, वाचा थे, वोमेश डब्ल्यू सी बनर्जी थे, वोमेश चंद्र बनर्जी थे, ये इनके क्या थे, पहले अध्यक्ष भी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष भी थे। फिर क्या हुआ, ये जो पार्टी थी ये 1977 तक भारत में एकछत्र राज किया, एकछत्र राज किया गया, और इस सिस्टम को कांग्रेस राज भी बोला जाता था, या कांग्रेस, भारत में कांग्रेस प्रणाली बोला जाता था इस क्षेत्र को, ठीक है, इस जो टाइम को। फिर ये पहली बार हारी थी जनता पार्टी से, जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो जनता पार्टी से ये हारी थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी ने बनाई थी, ये कांग्रेसी सरकार थी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है कि इसके विभाजन हुए थे भारत के अंदर, विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। विभाजन जो हुआ था वो सबसे पहले 1969 में हुए थे, एक तो तीन विभाजन हुए थे 1969 में हुआ था, उसके बाद आपका आगे जाके 1978 और 1995 में हुआ था, 1978 में हो गया था और 1995 में इसके विभाजन हो गए, वो गठबंधन की सरकार में देखेंगे अपन, ठीक। ये इनके विभाजन हो गए। डब्ल्यू सी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। अब बात आती है कि सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक सीटें, जो सर्वाधिक सीटें इन्होंने 1984 में ली थी, उस टाइम पे नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी तो बोला गया था कि इंदिरा जी की याद में, राजीव जी के साथ में, उस टाइम पे ये 414 सीटें लेके आए थे, 414, 415 सीटें उस टाइम पे लेके आए थे। अब न्यूनतम सीटें कब आई, अब की बार आपको बताइए कि 17वीं के अंदर कितनी आई है, मात्र 53 सीटें आई हैं, ये विपक्ष की भूमिका के अंदर भी नहीं है। अब दो बात और आती है कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है, ये सब लोगों को पता है, चुनाव चिन्ह जो है वो हाथ है। और रंग पूछ लिया जाए तो क्या होगा, इनका रंग जो है वो आसमानी नीला है, आसमानी नीला, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है अभी, कांग्रेस पार्टी का रंग कैसा है, आसमानी नीला है, ये पूछा जाता है। अब इन्होंने एक चीज और बनाई थी 2004 के अंदर, यूपीए बनाया था, ठीक है, यूपीए 2004 में बनाया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, 10 जो दल थे वो मिलके 2004 में बना था, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, ये 2004 में बना था। अब वर्तमान में इनका अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो पहले रेल मंत्री भी थे, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष है। दूसरा अपना राष्ट्रीय राजनीतिक दल आता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जो था वो सबसे पहले तो जनसंघ बना था, जनसंघ, जनसंघ किसने बनाया था, आरएसएस पलस मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, बाद में तो जम्मू कश्मीर जेल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी, जनसंघ और आरएसएस ने बनाया, जनसंघ बनाया था, आरएसएस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है इसको। इसके बाद क्या हुआ, जनता दल बना, जनता दल बना, उसमें अटल जी, आडवाणी जो भी थे उस टाइम के, जो मोरारजी देसाई वगैरह, वो सारे जनता दल बनाया गया था, ये 6 दलों को मिला के एक जनता दल बनाया गया था कांग्रेस को हराने के लिए, और हराने में सक्सेस भी हुए थे। अब जनसंघ जो था वो आगे जाके क्या बन गया, जनता दल बन गया, जनता दल से आगे जाके जो आपके अटल जी थे और आडवाणी,
आडवाणी साहब ने इसका क्या कर दिया, बीजेपी बना दिया, भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी बना दिया। ठीक है, ऐसे बीजेपी का जन्म हुआ। तो पूछा जाता है कि बीजेपी का जन्म कहां से हुआ, जनसंघ से हुआ। जनसंघ की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी, जनता दल की पूंजीवादी थी और बीजेपी की पूंजीवादी थी। यहां से आप पूरी धाराएं निकाल सकते हो। अब बीजेपी, बीजेपी की स्थापना जो हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 6 अप्रैल 1980 को की गई थी, 6 अप्रैल 1980 को। ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली के ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम चला था, उसके अंदर अटल जी आडवाणी ने बहुत बड़ा भाषण दिया था। तो 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई। ठीक है, अब ये 1984 के चुनाव में कांग्रेस तो 414 सबसे ज्यादा सीटें लेके गई थी और ये मात्र 2 सीटों के साथ अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वहां से पहला कदम रखा, 2 सीटों के साथ। अब इनकी सर्वाधिक, ये तो है न्यूनतम सीटें इनकी, और सर्वाधिक पूछा जाए वो अभी 17वीं के अंदर है, क्योंकि बीजेपी की उस टाइम पे कांग्रेस की कम हो जाती है और बीजेपी की बढ़ जाती है। इस बार कितनी लेके आए हैं, ये 303 सीटें लेके आए हैं कांग्रेस की, ये सॉरी बीजेपी वाले। ठीक, इनका चिन्ह जो होता है वो होता है कमल, कमल का होता है। रंग इनका जो होता है वो भगवा और हरा होता है, भगवा और हरा होता है। यहां से भी भगवा तो नहीं पूछेंगे क्योंकि हरा डाल के पूछ सकते हैं, भगवा तो सभी को पता है कि बीजेपी का रंग है, हिंदुओं का रंग है, तो ये हिंदुवादी विचारधारा की पार्टी है। इसके अंदर पहले अध्यक्ष अटल जी थे, आपको पता ही है, और वर्तमान जेपी नड्डा है। वर्तमान इसके कौन है, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब एक बार और पूछा जाता है कि अटल जी की जो 12वीं, अटल जी की 12वीं जो लोकसभा थी उसको, मतलब 12वीं मंत्रिपरिषद थी, लोकसभा थी या प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, 12वां जो आम चुनाव थे उसके अंदर अटल जी ने सरकार बना ली थी बीजेपी की। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हुआ, एआईडीएमके की, एआईडीएमके कौन थी, जयललिता। उस टाइम पे जयललिता के मात्र एक वोट के कारण, जयललिता के मात्र एक वोट के कारण अटल जी की तो 12वीं लोकसभा थी वो चुनाव हार गई थी और सरकार अल्पमत में आ गई थी और इस्तीफा उनको देना पड़ा था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जयललिता के एक वोट के कारण हारी थी 12वीं। ठीक है, अपन ने दो राष्ट्रीय दल देख लिए थे, तीसरा, तीसरा जो राष्ट्रीय दल है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जिसको राकपा बोलते हैं, शरद पवार है, दूसरा है पीए संगमा, इसके पीए संगमा थे, ये वही संगमा है जो अपने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुनाव के अंदर खड़े हुए थे, पीए संगमा थे। इन्होंने राकपा की स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष, अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष वो शरद पवार हैं और आज भी इसके अध्यक्ष शरद पवार ही हैं। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह घड़ी है, चिन्ह इसका घड़ी है और रंग कैसा है इनका, नीला है, ये थोड़ा सा ध्यान देख लें, चुनाव चिन्ह घड़ी है, रंग नीला है। चौथा अपना राष्ट्रीय दल आता है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी जो थे ये एससी एसटी ओबीसी के लिए खड़ी हुई थी और काशीराम जी थे, काशीराम जी ने इसकी जो स्थापना की थी वो 14 अप्रैल 1984 को की थी, 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी ने इसकी स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष इसके काशीराम जी थे और अब जो है वो मायावती हैं। चुनाव चिन्ह इनका, चुनाव चिन्ह इनका आपको पता ही है, हाथी। पांचवें नंबर का है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो अब की सीपीआई है उसकी स्थापना 1924, स्थापना कब हुई थी, 1924 में।
किसने की थी? एम एन राय ने, माधवेंद्र नाथ राय ने इनकी स्थापना की थी। एक्चुअली जो है इनका जो रंग क्या मानते हैं अपना, ये अपना रंग लाल मानते हैं क्योंकि साम्यवादी चाइना के ज्यादा नजदीक है, तो रंग लाल मानते हैं कि हमारा जो रंग है वो लाल होगा। और बाली और हसिया इसका चुनाव चिन्ह है, बाली हसिया, बाली हसिया जो है, हसिया वो इनका चुनाव चिन्ह है, चिन्ह जो है वो बाली हसिया है, रंग इनका ये है। और अध्यक्ष अभी वर्तमान में डी राजा है, आपको पता ही, अध्यक्ष डी राजा है। अब छठा आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय पहले अपने सीपीआई देखा था, अब सीपीएम देखेंगे, ये मार्क्सवादी है, माओवादी मार्क्सवादी दोनों की नीतियों को ये मानती है, जिसको सीपीआईएम बोलते हैं, सीपीआई एम भी बोलते हैं। एक्चुअली ये सीपीआई से ही बनी थी, 1964 के अंदर ये इसके टुकड़े हो गए थे तो ये अलग होके बनी थी, 1964 में सीपीआई से अलग होकर ये बनी थी। ठीक है, इसमें एक तो थे नंबूदरी पाद और एक ज्योति बसु, नंबूदरी पाद थे, ठीक है, एक ज्योति बसु थे, ज्योति बसु, ज्योति बसु जो थे इनके पहले रिकॉर्ड हुआ करता था, आजकल तो पवन कुमार चामलिंग ने इनका, सिक्किम वालों ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये लगभग 24 वर्ष तक लगभग 24 वर्ष जो था वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कोलकाता के अंदर शासन किया था, 23 वर्ष 137 दिन तक किया था ये, 23 वर्ष 137 दिन तक। अब ये सेकंड नंबर पे आ गए हैं, पहले नंबर पे कौन है? ज्योति बसु है, नंबूदरी पाद, तो ज्योति बसु ने इसका स्थापना की थी 1964 में अलग करके सीपीआई से। ठीक है, अब इसमें हसिया और हथौड़ा जो है, हसिया ले लिया और हथौड़ा वो इनका चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह जो है आप नेट पे सर्च करके देखोगे तो वो हसिया और हथौड़ा जो है इनका चुनाव चिन्ह है। और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सीताराम येचुरी इनके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? सीताराम जी हैं, सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी इनके अध्यक्ष हैं वर्तमान के अंदर। अब ये ज्योति बसु सबसे ज्यादा हुआ करता था इनका कार्यकाल, लेकिन पवन कुमार चामलिंग आता है, पवन कुमार चामलिंग, ये जो पवन कुमार चामलिंग है ये इन्होंने तो 23 वर्ष 137 दिन तक शासन किया था, इन्होंने 24 वर्ष से भी ज्यादा, 25 वर्ष के लमसम इन्होंने अपना शासन डाल दिया था। तो पवन कुमार जो चामलिंग हैं वो कहाँ के हैं? सिक्किम के सीएम रहे हैं, सिक्किम के सीएम रहे हैं। इनकी जो पार्टी है वो है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था इन्होंने। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी जो थी, तो सबसे लंबे समय तक सीएम रहे थे वो किसके थे? तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के थे। ये 24 वर्ष 165 दिन तक सीएम रहे थे, 24 वर्ष 165 दिन तक इनका कार्यकाल भारत के इतिहास में वर्तमान में सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है। 7वें नंबर पे है आपका सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, सर्व ये कांग्रेस से अलग हुआ था, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, ये कांग्रेस से अलग हुआ था, इसको तृणमूल कांग्रेस भी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी वाली, इसकी अध्यक्ष आज तक वही रही है, ममता ममता बनर्जी, जब से 1998-99 में जब ये बना था तो तब से लेके आज तक ये बना था, 1 जनवरी 1998 से, बनी कब थी? 1 जनवरी 1998 में बनी थी, तब से लेके वर्तमान समय तक ममता बनर्जी इसकी अध्यक्ष है। इसका रंग जो है वो हरा है, रंग कैसा है? हरा है। और चिन्ह क्या है? दो फूल है, दो फूल बने हुए हैं वो इनका चिन्ह है। वेस्ट बंगाल की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, दो फूल इसके चिन्ह बने हुए हैं। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। 8वें नंबर पे आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये वही पीए संगमा है, पीए संगमा, पीए संगमा ने इनकी स्थापना की थी।
ये 6 जनवरी 2013 को बनी थी, 6 जनवरी 2013 को बनी। इसकी खास बात है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 6 जनवरी 2013 को बनी थी। और पीए संगमा जो थे इनके अध्यक्ष थे, इनका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। चिन्ह क्या है इनका? पुस्तक है, ठीक है। चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक है। और इनके अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष कौन रहे? कॉनराड संगमा है वर्तमान, कॉनराड संगमा, क्योंकि पीए संगमा तो मर गए, तो कॉनराड संगमा इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब ये 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, 7 जून को राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। उससे पहले चुनाव हो गए थे तो उसमें लिस्टेड 7 ही थे, लेकिन वर्तमान में 8 है। इसके अंदर जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है वो है। और इसका जो पहली बात तो ये है, दूसरा इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है, शिलोंग में, शिलोंग के अंदर है, ठीक है, मेघालय में। और तीसरी, ये नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्व भारत की पहली, भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये उत्तर पूर्व भारत की पहली, इसका चुनाव चिन्ह जो है वो पुस्तक है। अब बात आती है कि ये तो हो गए आपके 8 राष्ट्रीय दल हो गए, अब 52 राज्य स्तरीय दल हैं वो देखते हैं। 52 जो है वो राज्य स्तरीय दल है, स्तरीय दल 2019 के अंदर इलेक्शन में आए थे, राज्य दल है 52। एक्चुअली ये जब राज्य दल बना था तो उस टाइम पे आरएस मेंस में भी पूछा गया था, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा, रालोपा जो थे उनकी स्थापना हनुमान जी बेनीवाल ने की थी, बगावत करके बीजेपी से हनुमान जी बेनीवाल ने की थी। स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 2018 को। इनका हेडक्वार्टर जो है वो नागौर में है। अब इन्होंने लोकसभा की तो एक सीटें खुद सांसद हैं, ये खुद सांसद हैं नागौर सीट से। अब विधानसभा में 3 सीटें इन्होंने जीती हैं। अब ये 3 सीटें विधानसभा में जीती हैं और 1 सीट सांसद की, तो इन्होंने क्या कोटा पूर्ति कर लिया, कोटा पूर्ति राज्य पार्टी होने का, तो वो पूर्ति हो गया। यदि ये यहाँ पे कुछ और बढ़ा देते हैं, बढ़ाना ये है कि यदि लोकसभा की सीटें 3 राज्यों के अंदर 4 सीटें निकाल लेते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, या फिर 3 मतलब कम से कम 4 राज्यों के अंदर राजनीतिक जो राज्य दल जो हो जाएंगे तो फिर ये राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, तो अभी ये राज्य पार्टी है। अब इनकी विचारधारा क्या है? जवान और किसान इनकी विचारधारा है कि जवान और किसानों को अच्छा महत्वपूर्ण योगदान देना और उनको आगे बढ़ने में सहायता करना। जवान और किसान इनका महत्वपूर्ण धारा है, विचारधारा है, नारा है। रंग इन्होंने हरा लिया है, हरा हरा रंग लिया है, थोड़ा हरा पीला पीला सा रंग है। उसके अंदर इनका चुनाव चिन्ह जो है वो पानी की बोतल रखा गया, स्वच्छ पानी की बोतल रखा गया। ये गुणसटुआ दल था, भारतीय जो चुनाव आयोग ने जो राज्य दल लिस्टेड किए हैं उनमें गुणसटुआ दल लिस्टेड था। इनकी 3 सीटें विधानसभा के अंदर आई हैं, ये किस निकायों पूछा भी जा सकता है, क्योंकि राज्य में पहली बार कोई राज्य दल बना है, तो राज्य में कोई अपने खुद का राज्य दल बना है, नहीं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्य वो जो राष्ट्रीय दल कांग्रेस बीजेपी उन्हीं के साथ हमारे जो इलेक्शन है वो होते हैं। अब क्या है कि राज्य का पहली बार बना है, तो भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग हैं, मेड़ता से इंदिरा देवी हैं और खींवसर से इनके खुद के भाई नारायण सिंह बेनीवाल हैं। अब बात आती है कि बीजेपी का एक गठबंधन अलायंस चलता है और एक कांग्रेस का अलायंस चलता है। तो बीजेपी का जो अलायंस है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, 1998 में बनाया था। 13 दलों ने इसके अंदर पहले ही जो थे वो एक जगह होके 13 दलों ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, ये कांग्रेस का है, वो बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है और ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का। तो ये 2004 में बने थे, 10 दल इसके अंदर आए थे। और अब आगे जो अपने राज्य दल हैं वो सभी के सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे।